दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय 5paisa.com. डाउनलोड द ऐप नाउ. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट. डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट. यूज करो कोड INVEST200. निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद. तकरीबन 14 महीने हुए जब से दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है. दुनिया भर में अब तक 16 करोड़ से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. इसमें से 33 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. कोविड केसेस के मामलों में भारत फिलहाल दूसरे नंबर पर है. इतना लंबा वक्त बीत गया, इतनी तबाही हुई, इसके बावजूद कोविड-19 से जुड़ा सबसे बुनियादी सवाल आज तक हल नहीं हो पाया. सवाल ये कि ये वायरस इंसानों तक पहुँचा कैसे? क्या ये कोई कुदरती आपदा है या फिर प्रकृति से हुई किसी छेड़छाड़ का नतीजा? इन्हीं सवालों से जुड़ा एक पहलू है लैब लीक थ्योरी. क्या कोविड-19 वायरस किसी लैब से लीक हुआ? और सपाट लहजे से कहें तो क्या चीन ने अपनी लैब में ये वायरस बनाया? ये थ्योरी आप पहले भी सुन चुके होंगे. 2020 के पूरे साल कोविड से जुड़ी कई कंस्पिरेसी थ्योरी सर्कुलेट हो रही थी. ये लैब लीक थ्योरी उनमें से एक थी. ये ट्रंप जैसे कंस्पिरेसिस्ट रुझान वाले लीडर्स की भी फेवरेट थ्योरी थी. वो इसके दम पर अपनी नाकामियों का ठीकरा चीन पर फोड़ना चाहते थे. ट्रंप कोविड से जुड़े कई और अनाप शनाप दावे भी कर रहे थे. ऐसे में तर्कशील बिरादरी को लगा कि ये थ्योरी कोरी अफवाह है. वैज्ञानिक बिरादरी ने भी इस पर आपत्ति जताई. लेकिन अब एक बार फिर ये मुद्दा वापस लौट रहा है. साइंटिस्ट कम्युनिटी का कहना है कि इस थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता, इस पर जांच होनी चाहिए. सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप जैसे साजिश की थ्योरी देने वालों के चलते इस वाजिब आशंका की गंभीरता खत्म हो गई? इससे जुड़ी साइंटिफिक डिबेट और जांच पटरी से उतर गई? क्या है लैब लीक थ्योरी से जुड़े तर्क? क्या सच में इसका कोई आधार है? आज के एपिसोड में विस्तार से आपको बताएंगे. नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी. कोविड-19 की शुरुआत से जुड़ी दो मुख्य अवधारणाएं हैं. पहली थ्योरी कहती है कि ये जंगली जीवों से जंप करके इंसानों में पहुंचा. हम फटाफट इस थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले 2002 में सार्स नाम की एक बीमारी फैली थी. ये बीटा कोरोना वायरस फैमिली से जुड़ा एक संक्रमण है. ये वायरस चमगादड़ों में पाया जाता है. पता चला कि चमगादड़ों से जंप करके ये वायरस सीविट नाम के एक जीव में पहुंचा. सीविट जंगली जीव है. इसे पकड़कर बिक्री के लिए लाया गया एक वेट मार्केट में. वेट मार्केट यानी ऐसा बाजार जहां उपभोग की मंशा से जिंदा जीव ग्राहक के सामने काटे जाते हों. यहां वायरस इंसानों के संपर्क में आया और महामारी फैल गई. इस परिस्थिति को शॉर्ट फॉर्म में समझिए, वेट मार्केट, वाइल्ड लाइफ और वायरस. बिल्कुल यही परिस्थिति वुहान में बनी. यहां एक वेट मार्केट है. कई जंगली और संरक्षित प्रजाति के जीवों की बिक्री होती थी यहां पर. चीन ने बताया कि दिसंबर 2019 में इसी वुहान शहर से कोरोना फैलना शुरू हुआ. चीन ने यह भी बताया कि संक्रमण से जुड़े कई शुरुआती मामलों का लिंक वेट मार्केट से है. जब संक्रमण फैलाने वालों के वायरस की जांच हुई तो ये भी बीटा कोरोना फैमिली के विषाणु निकले. ऐसे में सबसे तगड़ी आशंका यही बनी कि ये महामारी भी वाइल्ड लाइफ से जंप करके इंसानों तक पहुंची है. हालांकि वेट मार्केट से शुरुआत होने की थ्योरी में एक तगड़ा शुबहा भी है. क्या? बाद के दिनों में हुई जांच से पता चला कि कोविड के बिल्कुल शुरुआती केसेस का इस वेट मार्केट से कोई संबंध नहीं था. यह तो हुई पहली थ्योरी. अब चलते हैं दूसरी हाइपोथेसिस यानी लैब थ्योरी पर. दक्षिण पश्चिम चीन में युन्नान नाम का एक प्रांत है. यहाँ टोंगगुआन नाम का एक शहर है. यहाँ पर तांबे की एक खाली पड़ी खदान है. जून 2012 की बात है. कुछ मजदूरों को यहाँ काम पर लगाया गया. उनकी ड्यूटी थी खदान में मौजूद स्लैग को हटाना. धातु निकालने के बाद चट्टान का जो अवशेष बचता है उसी को स्लैग कहते हैं. इसे हटाने के क्रम में 6 मजदूर बीमार पड़ गए. इन्हें सूखी खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण थे. इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. 6 में से 2 लेबर जल्द मर गए. बाकी 4 में से 1 करीब 5 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहने के बाद मर गया. यानी उस रहस्यमय बीमारी के चलते 6 में से 3 मजदूरों की मौत हो गई.
ये भी पता चला कि खदान में काम करने वाले चार और मजदूरों के भीतर सार्स जैसे ही एक अज्ञात वायरस के प्रति एंटीबॉडी विकसित हो गई थी, यानी वो किसी संक्रमण की चपेट में आए थे। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद की बात है, चीन के कुछ वैज्ञानिक इस खदान में पहुंचे। इनमें बैट वुमेन के नाम से चर्चित चीन की जानी मानी महामारी विशेषज्ञ शी हंगली भी शामिल थी। शी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करती हैं। करीब 16 वर्षों से चमगादड़ों में पाए जाने वाले विषाणुओं पर वो रिसर्च कर रही हैं। शी और उनकी टीम ने खदान से सैंपल जमा किए। खाली खदान में चमगादड़ों की खूब बसाहट थी। टीम ने यहाँ मौजूद तकरीबन 276 चमगादड़ों के मल का नमूना लिया। चमगादड़ों का एनल स्वैब भी जमा किया गया। इन सैंपल्स को जांच के लिए वुहान लैब लाया गया। जो 6 खदान मजदूर बीमार थे उनके सैंपल्स को भी जांच के लिए इस लैब में भेजा गया। और इस जांच में पता क्या चला? वायरस पर होने वाले शोध से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है, वायरोलॉजिका सिनिका। 2016 में शी और उनकी टीम ने इसमें अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। शी ने बताया कि उन्होंने सार्स जैसे एक नए कोरोना वायरस स्ट्रेन को खोजा है और इस स्ट्रेन को नाम दिया गया RABTCOV4991। इस स्ट्रेन का COVID-19 से भी क्या कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। दिसंबर 2019 में जब कोरोना की शुरुआत हुई उसके 2 महीने बाद शी ने नेचर पत्रिका में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि ये नया वायरस 2013 में खदान से जमा किए गए वायरस सैंपल से बहुत मिलता है। 2013 में जमा किए वायरस का नाम है RATG-13। वुहान लैब ने इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग की थी। इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर COVID-19 वायरस से मिलता जुलता पाया गया। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि RATG-13 COVID-19 वायरस का प्रोजेनिटर हो सकता है। अब ये प्रोजेनिटर क्या होता है? इसे वायरस का पूर्वज मान लीजिए। अब आते हैं इस डिबेट के एक ज़रूरी पहलू पर जिसका नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये बायो रिसर्च करने वाली एक प्रयोगशाला है। बायो सेफ्टी में सबसे टॉप मानक होता है BSL-4। वुहान चीन की पहली BSL-4 लेबोरेटरी है। इसके भीतर खतरनाक संक्रमणों से जुड़े शोध होते हैं। रिसर्च के मकसद से यहाँ विषाणुओं को स्टोर करके भी रखा जाता है। 2013 में शी और उनकी टीम ने खदान से जो सैंपल जमा किए थे उन्हें भी इस लैब में स्टोर करके रखा गया था। यहाँ इन वायरस सैंपल्स पर जो शोध और प्रयोग हुए उसमें गेन ऑफ फंक्शन भी शामिल है। अब ये क्या चीज़ है? ये है विषाणुओं के भीतर जेनेटिक इंजीनियरिंग करना। वायरस पर शोध करने वाले वैज्ञानिक वायरस की प्रवृत्ति, उसके स्वभाव पर रिसर्च करते हैं और इसी क्रम में आती है गेन ऑफ फंक्शन की भूमिका। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में वायरस का जंप करना, फिर क्रॉसओवर करके इंसानों तक पहुंचना, म्यूटेट करना, ये एक कुदरती प्रक्रिया है। लेकिन गेन ऑफ फंक्शन में वैज्ञानिक खुद ही इस प्रक्रिया को ट्रिगर करते हैं। वो एक कंट्रोल सेटअप में वायरस को होस्ट जीव के भीतर बार बार पास करते हैं, उसमें म्यूटेशन करवाते हैं, उन्हें ताकतवर बनाते हैं। इसमें ऐसे वायरस भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक इंसानों में प्राकृतिक रूप से जंप नहीं किया है। ऐसे वायरस जिन्हें कुदरती तौर पर इंसानों के भीतर जंप करने में अभी दशकों लग सकते हैं। यानी और गेन ऑफ फंक्शन के तहत विषाणु के भीतर जानबूझकर ऐसे बदलाव किए जाते हैं जो प्रकृति जनित नहीं हैं, कृत्रिम हैं। मसलन साल 2012 में साइंस मैगजीन में छपा एक रिसर्च पेपर और उसमें दिया उदाहरण। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस के एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को लेकर फेरेट नाम के जीवों में प्रयोग किया गया। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक इन्फ्लुएंजा वायरस को मॉडिफाई किया, फिर फेरेट्स को बार बार उनसे संक्रमित करवाया। कई बार म्यूटेट होने के बाद वायरस की एक ऐसी स्ट्रेन तैयार हुई जो हवा के मार्फत फेरेट्स में संक्रमण फैला सकती थी। वायरस की ये नई स्ट्रेन ऐसी थी जिस पर कई मौजूदा एंटीवायरल दवाएं बेअसर थी। सवाल उठता है कि ऐसी प्रक्रिया का लाभ क्या है, क्यों वैज्ञानिक ऐसा करते हैं? इससे वायरस नाम के दुश्मन को बेहतर समझने में मदद मिलती है। उसके मैकेनिज्म और मजबूत होने की प्रक्रिया को एडवांस में जाकर और जानकर डिफेंस के बेहतर तरीके विकसित किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत फायदे हैं लेकिन जोखिम भी बहुत ज़्यादा है। अगर गलती से कोई ऐसा हादसा हुआ और अनजान वायरस इंसानों तक पहुंच गया तो नई महामारी फैल सकती है, ऐसी महामारी जिसका इलाज भी दुनिया के पास ना हो। और इसी जोखिम के चलते गेन ऑफ फंक्शन की नैतिकता पर सवाल भी उठते हैं। कितनी भी सावधानी बरती जाए लेकिन इस प्रक्रिया के फुल प्रूफ होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। एक्सीडेंट का जोखिम रहेगा ही और इन्हीं जोखिमों के चलते वैज्ञानिकों का एक धड़ा इस प्रक्रिया का विरोध करता है। उनका कहना है कितनी भी सावधानी बरत लो, प्रयोगशालाओं को एयरटाइट बनाना मुश्किल है। और इसी के चलते 2014 में अमेरिका में बराक ओबामा प्रशासन ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को अपने यहाँ बैन कर दिया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दोबारा शुरू भी करवा दिया।
अब फिर से आते हैं वुहान लैब पर। वहां खदान से मिले कोरोना सैंपल्स को स्टोर करके रखा गया था। उन पर भी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रही थी। हमने आपको वुहान लैब की महामारी विशेषज्ञ शी के बारे में बताया था। उन्होंने जाने माने कोरोना वायरस शोधकर्ता राल्फ बेरिक के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। राल्फ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में काम करते हैं। शी और राल्फ की टीम ने चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस की क्षमता बढ़ाने पर प्रयोग किए थे, ताकि ये देखा जा सके कि ये वायरस इंसानों को किस तरह और किस क्षमता से संक्रमित कर सकते हैं। और इसी क्रम में आया नवंबर 2015। इस महीने राल्फ और शी की टीम ने एक नया वायरस बनाया। इसे बनाने के लिए उन्होंने SARS-1 के वायरस का बैकबोन लिया। इसके स्पाइक प्रोटीन को चमगादड़ों में पाए जाने वाले एक और वायरस SHC014-COV से रिप्लेस किया। नतीजतन एक ऐसा नया वायरस तैयार हुआ जो इंसान की श्वास नली और इसकी कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता था। कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये वायरस COVID-19 वायरस का एक प्रोटोटाइप हो सकता है। आगे के वर्षों में भी शी और वुहान लैब की उनकी टीम ने कोरोना वायरस की जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम जारी रखा। ये रिसर्च हुई, इसका सबूत है अमरीका स्थित एक सरकारी स्वास्थ्य संस्था का रिकॉर्ड। इस संस्था का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, शॉर्ट में NIAID। ये अमरीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का हिस्सा है। ओबामा सरकार ने अमरीका में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को बैन किया था, हमने आपको बताया, लेकिन चीन में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। और इसी दौर में NIAID ने कोरोना वायरस पर चल रही शी की रिसर्च को फंडिंग भी दी, और उसी फंडिंग के रिकॉर्ड में शी की रिसर्च का ब्यौरा दर्ज है। इसमें दर्ज है कि शी की टीम एक ऐसा नोवल कोरोना वायरस बना रही थी जिसमें इंसानी कोशिकाओं को संक्रमित करने का जबरदस्त मादा हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रिसर्च में COVID-19 जैसा विषाणु तैयार करने का मादा था। शी ने लैब में ऐसा कोई वायरस बनाया या नहीं, हम पक्के से नहीं जानते, इसलिए क्योंकि चीन ने वुहान लैब के रिकॉर्ड सील कर दिए, उन्हें पब्लिक नहीं किया। लेकिन इस रिसर्च की डेवलपमेंट के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी मिली है। कैसे मिली ये जानकारी? शी को फंड देने वाले उनके एक सहयोगी ने 9 दिसंबर 2019 को इसका जिक्र किया था। ये महामारी शुरू होने के ठीक पहले की बात है। शी के एक फंडर ने, यानी फंड देने वाले ने, एक इंटरव्यू में वुहान लैब के भीतर चल रही रिसर्च की सफलता बताई। कहा कि वुहान लैब की रिसर्च टीम ने 6-7 साल की मेहनत के बाद SARS जैसे 100 से ज़्यादा कोरोना वायरस को खोजा है। इनमें से कुछ प्रयोग के दौरान इंसानी कोशिकाओं के भीतर दाखिल होने में भी सफल रहे, और ये SARS जैसी बीमारियां फैला सकते हैं, ऐसी बीमारियां जिन पर वैक्सीन का असर नहीं होता। अब इन जानकारियों को आप दिसंबर 2019 में वुहान से शुरू हुई COVID-19 महामारी से जोड़कर देखिए। आशंका मजबूत हो जाती है कि ये थ्योरी सही है। और इन्हीं जानकारियों के संदर्भ में कई वैज्ञानिक एक्सीडेंटल लैब लीकेज की आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि ये आशंका इतनी निराधार नहीं कि इसे खारिज कर दिया जाए। यहाँ पर एक ज़रूरी बात और याद रखनी चाहिए। साइंटिस्ट कम्युनिटी लैब से हुए एक्सीडेंटल लीकेज की आशंका पर बात कर रही थी, लेकिन एक समानांतर अफवाह ये चल पड़ी कि चीन ने सोची समझी साजिश के तहत प्रयोगशाला के भीतर ये वायरस बनाया, जबकि साइंटिस्ट कम्युनिटी कह रही थी कि ये जैविक हथियार नहीं था। लेकिन ट्रंप जैसे लीडर्स ने कंस्पिरेसी को बढ़ावा दिया। दुनिया के आगे COVID-19 से जुड़ी अफवाहों से निपटने की चुनौती थी। ऐसे में साइंटिस्ट कम्युनिटी का एक धड़ा सामने आया और उन्होंने लैब लीकेज की आशंका को खारिज कर दिया, अफवाह बताया इसे। इसमें मशहूर साइंस जर्नल लैंसेट में छपे फरवरी 2020 के एक आर्टिकल की खूब चर्चा होती है। इसमें महामारी विशेषज्ञों के एक ग्रुप ने लिखा कि COVID-19 वाइल्ड लाइफ से शुरू हुआ, इसकी प्राकृतिक शुरुआत को नकारने वाली तमाम थ्योरीज की हम निंदा करते हैं। लेकिन क्या लैंसेट में छपे इस आर्टिकल के तर्क सटीक थे? साइंटिस्ट कम्युनिटी के ही कई लोग अब इस पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि फरवरी 2020 महामारी का शुरुआती दौर था, तब बहुत सीमित जानकारी थी वैज्ञानिकों के पास। ऐसे में बिना पर्याप्त रिसर्च के एक्सीडेंटल लैब लीकेज की आशंका को नकारना गलत था। लैंसेट के उस आर्टिकल पर एक और विवाद है। इस आर्टिकल को लिखने वाले ग्रुप के अगुआ थे पीटर दासजॉक। वो न्यूयॉर्क स्थित इको हेल्थ अलायंस के प्रेसिडेंट हैं। दी बुलेटिन ORG की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटर के संगठन का वुहान लैब से सीधा कनेक्शन है। वुहान लैब में शी के नेतृत्व में कोरोना वायरस पर जो रिसर्च चल रही थी, उसे फंड देने वालों में पीटर का संगठन भी शामिल था। हमने आपको शी के एक फंडर द्वारा 9 दिसंबर 2019 को दिए इंटरव्यू की बात बताई थी, जिसमें उस फंडर ने रिसर्च की सफलता पर बात की थी। ये व्यक्ति और कोई नहीं, खुद पीटर दासजॉक थे। ऐसे में उनका लिखा आर्टिकल सीधे सीधे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है।
पीटर ने अपने आर्टिकल में वुहान लैब के साथ अपने कनेक्शन का खुलासा भी नहीं किया, जबकि नैतिकता और प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये था कि वो पाठकों को ये जानकारी भी दें। ऐसे में सोचिए, अगर लैब लीक वाली थ्योरी सही साबित हुई तो पीटर पर भी सवाल उठते, तो क्या इसीलिए वो लैब लीक की आशंका को नकार कर अपना भी बचाव कर रहे थे? पीटर खुद एक महामारी विशेषज्ञ हैं, वो उस धड़े का हिस्सा हैं जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का पक्ष लेती है। भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया में छेड़खानी करके नए और ताकतवर वायरस ये गुट तैयार करते हैं। पीटर जैसे साइंटिस्ट इसे सुरक्षित प्रक्रिया बताते हैं, जबकि तमाम साक्ष्य हैं जो इस प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना होने की आशंका जताते हैं। अगर ये बात साबित हो गई कि COVID-19 भी एक्सीडेंटल लैब लीकेज से फैला, तो गेन ऑफ फंक्शन के सपोर्टर्स को बड़ा झटका लगेगा। जो भी हो, COVID-19 के नेचुरल ओरिजिन की थ्योरी दुनिया में हावी हो गई थी। कंस्पिरेसिस्ट की निराधार बातों के चलते लैब लीकेज वाली थ्योरी सस्ती अफवाह जैसी लगने लगी, लेकिन फिर फरवरी 2021 में एक बार फिर इस थ्योरी ने सर उठाना शुरू किया। और वजह क्या थी? लंबे इंतजार के बाद WHO की एक टीम को वायरस के शुरुआत की जांच के लिए वुहान जाने का मौका मिला। चीन ने इस टीम के कामकाज में बहुत बाधा पहुंचाई। ऐलान किया गया कि लैब थ्योरी में कोई दम नहीं मिला, लेकिन इस टीम के कुछ सदस्यों ने लौटकर कहा कि लैब लीकेज एक वजह हो सकती है। इस धड़े में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर डोमिनिक ड्वायर। वो वुहान गई WHO टीम का हिस्सा थे। उन्होंने लौटकर कहा कि लैब की भूमिका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, और ये भी कहा कि एक्सीडेंटल लीकेज की बात सच हो सकती है। इस पक्ष के वैज्ञानिक मानते हैं कि लैब लीक की थ्योरी और कंस्पिरेसी थ्योरी में एक बुनियादी अंतर है। कंस्पिरेसी साइड इसे जानबूझकर किया गया लीकेज कहती है, जबकि होना ये चाहिए कि लैब लीकेज की आशंका को एक्सीडेंटल मानकर जांच हो, वो भी किसी स्वतंत्र संस्था के द्वारा, वैज्ञानिकों के एक स्वतंत्र दल के द्वारा। यहाँ स्वतंत्र पर जोर देने का कारण चीन है। लैब लीकेज की बात अभी साबित नहीं हुई, लेकिन इसकी आशंका है। इस आशंका की जांच जरूरी है, इसलिए नहीं कि चीन को विलेन बनाया जा सके, बल्कि इसलिए ताकि ऐसे हादसे आगे ना हो सके। पर क्या चीन ऐसा होने देगा, वो भी WHO जैसी कमजोर संस्था के मार्फत? WHO कहने को स्वतंत्र है, लेकिन वो अपनी फंडिंग के लिए सदस्य देशों पर निर्भर है। चीन उसकी फंडिंग करने वाले सबसे बड़े समूहों में से एक है, इसलिए चीन का इस संस्था पर प्रभाव भी ज्यादा है। इस प्रभाव का नुकसान हम पहले ही उठा चुके हैं। कैसे? चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस लीक नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि ये भी जांच का विषय है, लेकिन उसने महामारी की असली तस्वीर दुनिया से लंबे समय तक छिपाई। चीन को संक्रमण की शुरुआत से पता था कि वुहान में फैल रही बीमारी इंसानों से इंसानों में फैलती है, यानी संक्रामक है। इसके संक्रमण की दर भी ज़्यादा है, लेकिन ये बातें उसने छिपाई। उसने वुहान में व्यापक हो चुके संक्रमण पर भी पर्दा डाला। ताइवान ने WHO को आगाह भी किया था, लेकिन WHO ने भी इसकी अनदेखी की। चीन इस महामारी की अपडेट WHO को देता था, और WHO रट्टू तोते की तरह वही जानकारी दुनिया को पास कर देती थी। इसके चलते शुरुआती दौर में कोरोना को नियंत्रित करने की कोई प्रभावी तैयारी नहीं हो पाई। बाद के दिनों में COVID-19 की शुरुआत पर जांच की मांग उठी, और तब भी WHO चीन के आगे दब्बू बना रहा। इसलिए कई एक्सपर्ट कहते हैं कि कोविड के ओरिजिन की जांच WHO के बस की बात नहीं है। WHO ने लैब लीकेज की थ्योरी पर भी अब तक गंभीरता से जांच नहीं की, जबकि कई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस आशंका की मुकम्मल जांच किए बिना इसे खारिज करना एक ब्लंडर है। यहाँ ध्यान रखिए कि जिस तरह नेचुरल ओरिजिन के पक्षधर बड़े विशेषज्ञ हैं, उसी तरह लैब लीकेज की आशंका जताने वाले धड़े में भी बड़े महामारी एक्सपर्ट शामिल हैं। कोविड की प्राकृतिक शुरुआत से जुड़े साक्ष्य अब भी इतने मजबूत नहीं कि उसे एकमात्र सत्य माना जाए। अभी तक हम वायरस के चमगादड़ों से इंसानों तक पहुंचने की चेन नहीं खोज पाए हैं। ये स्पिल ओवर कैसे हुआ, कौन सा जीव इसका माध्यम बना, वायरस वुहान कैसे पहुंचा, ये जरूरी सवाल अनसुलझे हैं। लेकिन ये पुष्ट हो चुका है कि 2013 में यूनान प्रांत की खदान से मिले वायरस सैंपल COVID-19 से मेल खाते हैं। अगर COVID-19 की शुरुआत प्राकृतिक कारणों के चलते हुई, तो इसे सबसे पहले यूनान प्रांत में फैलना चाहिए था। लेकिन ये फैलना कहाँ शुरू हुआ? यूनान से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर वुहान में, वही शहर जहाँ की लैब में कोरोना वायरस को मजबूत बनाने के खतरनाक प्रयोग हो रहे थे। क्या इतने तगड़े संयोग के बावजूद बिना सही जांच के इस तर्क को खारिज किया जा सकता है? और सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि ये लैब लीकेज ही थी या चीन ने जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि अब स्थिति ऐसी है कि हम चीन से जुड़े किसी भी दावे पर एतबार नहीं कर सकते। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।